ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आगमन का पहला रविवार है। इस तरह देखने से आज नए साल का पहला दिन है। आज पूजन वर्ष का पहला दिन है। माता कलिसिया पूजन वर्ष आगमन काल से शुरू करती है। आगमन का वास्तविक अर्थ तैयारी का काल। इस अवधि में कलिसिया हमें ईसा के दो आगमन की प्रतीक्षा की याद दिलाती है। पहला आगमन 2000 वर्ष पूर्व यीशु का धरती पर आना, दूसरा आगमन अंतिम दिन जब वे महिमा के साथ सबका न्याय करने पुनः आएंगे। इस काल में दुनिया भर के ख्रिस्तीय एक ही प्रार्थना करती है, मारानाथा, यानी हे प्रभु आ जा। आर्च बिशप फुल्टन जे शिन कहते हैं कि आगमन काल केवल यीशु का हमारी ओर आने का काल नहीं, बल्कि हमारे प्रभु की ओर जाने का काल भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे ओर आने वाले ईश्वर को स्वीकार करने में हमारी भूमिका निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय होनी है। प्रभु यीशु आए थे, आते हैं और आते रहेंगे। प्रभु यीशु इतिहास में आए और इतिहास का एक भाग बन गए। वह संस्कारों के रहस्य में रोज हमारे बीच आते हैं और दुनिया के अंत में महिमा के साथ फिर आएंगे। यीशु प्रेम के साथ बेतले में आए, वह कृपा के साथ हमारी आत्माओं में आते हैं और दुनिया के अंत में न्याय के साथ फिर आएंगे। आगमन का काल तैयारियों का काल है। जागरूकता और प्रार्थना आगमन के तैयारी के दो अंग हैं। तैयारी का मुख्य उद्देश्य मन और दिल की आध्यात्मिकता है, ना कि सांसारिक तैयारियां जैसे चरनी, कैरोल सिंगिंग, केक इत्यादि। यीशु का जन्म 2000 वर्ष पूर्व एक गौशाले में हुआ था। आज हमारा दिल उसी गौशाले के समान गंदा और अपवित्र है, जो पापों से भरा है। जहां यीशु आज जन्म लेने वाले हैं, आज आगमन काल का पहला रविवार है। यह रविवार को आशा का रविवार भी कहा जाता है, क्योंकि यह रविवार आशा लाती है। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी चीज़ें थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई और पिछले दो दिनों से वह पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ, कई बार भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, मगर उसके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी वो आखिरी उम्मीद थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की ओर रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता गया, उसकी उम्मीद बढ़ते गई और इस बार भाग्य भी इसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा, अंदर का नज़ारा देखा। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपम्प लगा था,
वह आदमी नई ऊर्जा से भर गया, वह तेजी से हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूखा था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी एक पानी से भरी एक पानी की बोतल दिखी। तभी वह उसे खोलकर पीने वाला था कि उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर कर रखना नहीं भूलना। एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डाला। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो बांध रहा था तभी उसने अपने सामने एक और शीशे की बोतल देखी। उसने खोला तो उसमें एक पेंसिल और नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भर कर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, ये काम करता है। ईश्वर में आशा हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। आगमन का पहला रविवार आशा का रविवार है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह यीशु ने 2000 पूर्व हमें हमारे पापों से बचाया था, उसी तरह आज हमें इस भयानक कोरोना से छुटकारा प्रदान करें। इस आगमन काल में हमारी 3 मनोवृत्तियां हैं, प्रतीक्षा, जागरूकता और अगवानी। ये हमें तैयारियां करने में हमारी सहायता करेगी। आज का पहला पाठ हमें उम्मीद बांधते हुए कहता है कि उन दिनों यूदा का उद्धार होगा, यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 16। प्रभु आज हमें नई इसराइली प्रजा को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे, हमारा विनाश नहीं होगा। आज हम कैसे बचेंगे? मुक्ति पाने के लिए हमारा सिर्फ ईसाई होना ही काफ़ी नहीं है। हमें ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आज का दूसरा पाठ हमें बताता है कि हम क्या करें, कि हम ईश्वर के प्रेम और एक दूसरे के प्रेम में कैसे बढ़ते जाएं, कैसे हम ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बन सकते हैं। इस आधुनिक युग में ऐसा कर पाना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। संत लुकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36। इन वचनों के द्वारा संत लुकास यीशु के पुनरागमन का संकेत देते हैं। आज के सुसमाचार में एवं संत पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को
लिखे पत्र में हमें बताते हैं। पहला बिंदु, जागते रहो। शैतान हर वक्त हमारी मुक्ति का विनाश करने हेतु प्रयासरत है। भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं में हमें कुंठित कर देती और यीशु की प्रतीक्षा से हमें विच्छेदित करती है। अतः विश्वासियों को चौकसी बरतना अति आवश्यक है। दूसरा बिंदु, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो, तभी हम जीवन में आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाएंगे। तीसरा बिंदु, यीशु एवं मानव के प्रति प्रेम। यीशु एवं मानव के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए। मनुष्य प्रगतिशील है, किंतु ईश्वर एवं मानव के प्रति अपना प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए, यही आगमन का उद्देश्य है। चौथा बिंदु, कर्तव्य परम धर्म। हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, आलसीपन और गैर जिम्मेदार व्यवहार को छोड़ दें। परिवार की देखरेख करें, अपनी कमाई की रोटी खाएं। पांचवा बिंदु, यीशु मसीह की शिक्षा। यीशु मसीह के अधिकार से दी जाने वाली कलीसिया की शिक्षा को ध्यान में रखें और उसका अनुसरण करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। तेसलोनिकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3। यह आगमन काल हमें पवित्र बनने और हमारे ख्रिस्त जीवन में प्रगति करने का सुअवसर देता है। आशा तो तकलीफ की उपस्थिति नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति है।